जय हिंद, सलाम, स्वागत। एक और सूचना आई है पीएचडी के इंटरव्यू के संदर्भ में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से सूचना 13 जून की है, वेबसाइट पर जो आई है, जो कहती है कि पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जिन बच्चों का चयन हुआ है एग्जाम्पशन कैटेगरी के थ्रू और एंट्रेंस के बेस पर, उन सभी बच्चों को इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू की एक फ़ीस होती है जो यूनिवर्सिटी मांग रही है, उसको आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने की जो डेडलाइन थी 10 जून 2024 थी, उसी डेट्स को लेकर एक नया नोटिफिकेशन आया है जो कि ये कहता है कि जिन बच्चों ने अभी तक इंटरव्यू की फ़ीस सबमिट नहीं करी है उनको एक और मौका दे रही है यूनिवर्सिटी, और 30 जून 2024 तक आप सभी अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं जिन बच्चों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ है, चाहे आप नेट JRF पास विद्यार्थी हों या आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करके इंटरव्यू तक पहुँचे हैं वो विद्यार्थी हो, ठीक है। तो 250 रुपये SC ST और विकलांग बच्चों को देनी है, OBC और सामान्य बच्चों को इंक्लूडिंग EWS बच्चों को भी फीस देनी है 500 रुपये की, ठीक है। ये फीस आप लोग जमा कर देंगे, फीस सबमिट करने का लिंक आपको वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको दे देंगे। अभी कुछ डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के शेड्यूल को लेकर अभी संभावनाएँ नहीं आई हैं, 2-3 डिपार्टमेंट का ही इंटरव्यू को लेकर डेट अभी आई है, जैसे ही कुछ और डिपार्टमेंट के इंटरव्यू की डेट आएंगी हम आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दीजिए, जो भी आपका डिपार्टमेंट है और जो भी आपकी डेडलाइन है। याद रखिएगा, डेडलाइन से पहले सबमिट करा दीजिएगा, ना कि ऐसा करें कि डेडलाइन के दिन ही सबमिट करवाने जाएँ तो आपको तकलीफ ना हो। इससे पहले डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ही डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिए और फीस को भी सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और ये सूचना थी जो मैंने आपको दी, बहुत बहुत धन्यवाद सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। अपना सवाल, अपनी जिज्ञासाएँ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लिया करिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उनके सभी सोर्सेज, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए जाते हैं, ताकि आप सूचनाओं को और डिटेल में ब्रॉड तरीके से जान सकें, उनके बारे में और सूचनाएँ प्राप्त कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।